So I came to the college with her today. Thank you, library. I can't even lift going down. Yeah, that's better. So I'm gonna show you. फर्स्ट डे था, मैं बहुत एक्साइटेड थी, यूनिवर्सिटी जाना है मैं तो इसलिए शायद मुझे ज्यादा अच्छा लगा हो, बट यूनिवर्सिटी बहुत सुंदर. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I am Tanya Behlwal. I'm shooting my first day at uni vlog and I'm so excited. I always wanted to study in a uni in England aur meko finally mauka mila hai, so I'm really really excited. Sorry to interrupt the video, but I just wanted to put it out ki maine university mein ye India se apply nahi kara hai. मैं UK में ही जॉब कर रही हूँ और जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ उन लोगों ने ही ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी है, जिसमें उन्होंने ही सब फंड करा है, उन्हीं के थ्रू मैंने अप्लाई करा है. सो इट्स नॉट लाइक टेक्निकली आई एम इंटरनेशनल स्टूडेंट, बट मैं कम्प्लीटली स्टूडेंट बेसिस पे नहीं हूँ यहाँ पे. आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लियर थिंग्स आउट, क्योंकि अगर किसी को ऐसे डाउट होंगे तो मैं मतलब सर्च करके आपको हेल्प कर पाऊंगी, बट पर्सनली मैं यहाँ जॉब करती हूँ और उसके साथ अब मुझे ये स्टडी करने की अपॉर्चुनिटी मिली है. एंजॉय द वीडियो. और इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये ब्लॉग बना के आप लोगों को भी दिखाऊं कि अगर आप सोच रहे हैं इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में आके पढ़ने का, तो थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे कैसे क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली आई एम सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ बुक्स बिकॉज आई एम इन लाइब्रेरी राइट नाउ. ये ऐसे मैंने व्लॉग प्लान नहीं किया था, मैंने सोचा था ड्राइव करते हुए मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगी, क्योंकि मेरे घर से यूनी का रास्ता करीब आधे पौने घंटे का है. तो मैंने सोचा था कि जब मैं ड्राइव करूंगी उस टाइम पे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी कि कैसे अप्लाई किया, क्या क्या किया, बट वो नहीं मिला क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए आज देनी थी. मुझे आज का अपॉइंटमेंट मिला और मैं बहुत मतलब मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलता है, तो मुझे आज का मिला, सो आई टुक इट. और मुझे इसीलिए अपने फ्रेंड के साथ ट्रैवल करके आना पड़ा. लकीली आई हैव गॉट अ फ्रेंड हु कैन ड्राइव कर लिया, अदरवाइज मुझे बस में आना पड़ता. एनी वे या आई एम इन लाइब्रेरी, लेट मी शो यू अराउंड. ये लाइब्रेरी वैसे बहुत बड़ी है, यहाँ पे सारी बुक्स मिल जाएंगी आपको, सब कुछ मिल जाएगा. एंड दिस बिल्डिंग इटसेल्फ इज सो नाइस. वो सेकंड फ्लोर है लाइब्रेरी का. हाय सिमोन, दिस इज माय फ्रेंड सिमोन. So I came to the college with her today. Do you want to say anything? How are you feeling first day of our uni? So anxious and so nervous, but excited. Yeah. We're going to learn some stuff, but we just can't find the books and we can't log in. So. Yeah. Don't. Hope for the best. We'll find our books. This library is so huge. That's why we are having problem finding a book, but yeah, we're trying to log in and find the book. So I'm gonna go down and show you from doors closing from the starting key library. I can't even lift going down. Yeah, that's better. So I'm gonna show you library kahan se start hai, kaise hai, kyunki maine seedha direct library se start kar diya. Ground floor. So let's go. Doors opening. तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं ड्राइव करके खुद नहीं आई, अपनी फ्रेंड के साथ आई थी, तो हम लोग सीधा
हमें लाइब्रेरी जाना था तो हम उसके पास वाले कार पार्क में चले गए थे. नाउ आई हैव कम टू द फ्रंट ऑफ द यूनी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि कितना बड़ा है, क्या क्या है. फ्रंट में आने के लिए मुझे 10 मिनट लग गए हैं, ये इतनी बड़ी यूनी है. सो यहाँ पे ये बसेस हैं कॉलेज की जो आती है, तो स्टूडेंट्स के लिए जो नहीं ड्राइव कर सकते उनके लिए भी अच्छा है बिकॉज दे हैव एक्सेस. क्योंकि टैक्सी वगैरह करना तो इट विल बी रियली एक्सपेंसिव, तो इसीलिए ये है. ये यहाँ पे अनदर कार पार्क, दिस इज द विजिटर्स कार पार्क. एक मिनट, लेट मी शो यू कि बाहर मेन रोड से आके फिर यूनिवर्सिटी कैसे क्या दिखती है. ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना गो टू द मेन रोड बाहर वाला, तो मैं अंदर का ही आपको सब दिखाती हूँ. So there's where you come from. And then you go in, you find your buildings. यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग buildings हैं, उसके अलग अलग car park हैं, staff का car park अलग है, students का अलग है, visitors का अलग है. जैसे ये वाला visitor car park है. आज का मौसम अच्छा, मतलब आज कुछ दिनों से मौसम इंग्लैंड में अच्छा ही रह रहा है. इट्स नाइस एंड सनी, बारिश नहीं हो रही. अभी थोड़े से क्लाउड्स हैं बट दे आर वाइट, सो दैट्स गुड. आज बारिश होने की कमी चांस है. So there is no point of me showing you around. तो इसीलिए I'm gonna go back to the library to study. यहाँ की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यूनिवर्सिटी से मुझे ऑलरेडी सारे नोट्स वगैरह मिल गए जो क्लास मेरी आज होने वाली है. मेरा एक सेशन ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुका है जिसमें उन लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया, पूरे कोर्स के बारे में बताया कि कैसे क्या होगा. पता नहीं मेरी आवाज़ क्लियर रिकॉर्ड हो रही होगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत विंडी है आज, बट इट्स सनी एज वेल सो इट्स नॉट दैट बैड. तो हाँ, उन्होंने कोर्स के बारे में पूरा बताया कि क्या क्या टाइम टेबल होगा. वो तो चलो इंडिया में भी बताते हैं कि टाइम टेबल क्या है, कब कब यूनी आना है, कब कब ऑनलाइन क्लास होगी. बट द बेस्ट पार्ट इज कि क्लास होने से पहले ही वो लोग नोट्स या जो पावर पॉइंट वो लोग यूज़ करने वाले हैं वो ऑलरेडी ऑनलाइन आपके स्टूडेंट जो आईडी है उस पर अपलोड हो जाएगी. सो यू कैन रीड अबाउट दैट और आप थोड़ा सा प्रीपेयर होके जा सकते हैं. सो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी. अभी क्लास में जाके बाकी मुझे और पता चलेगा कि उन लोगों की टीचिंग कैसे होती है, क्योंकि मैंने सुना है कि इंडिया में एजुकेशन बेटर है यहाँ से. मैंने ऑब्वियसली खुद पढ़ाई नहीं करी, सो आई डोंट नो एंड आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन दैट टिल आज के सेशन के बाद. सो विल फाइंड आउट कि उनकी उनका मतलब द वे ऑफ टीचिंग कैसा है. ऑब्वियसली उन्होंने नोट्स पहले ही दे दिए हैं, तो क्या वो सिर्फ नोट्स रीड करने वाले हैं या फिर दे कैन एक्सप्लेन इन डिटेल्स, ये सब हम क्लास में पता करेंगे. बट ऑब्वियसली आई डोंट थिंक दे कैन अलाउ मी टू शूट. मुझे इस यूनी की सबसे अच्छी बात ये भी लगी कि यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है. लुक एट द वेदर, लुक एट ऑल द ट्रीज एंड ऑल द ग्रीनरीज, इट्स रियली नाइस. क्योंकि यूनी इतनी बड़ी है तो यहाँ पे हर जगह पे मैप्स लगे हुए हैं, सो यू डोंट गेट लॉस्ट. यहाँ पे थोड़ी कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रही है इसीलिए. सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टू कलेक्ट आवर आईडी कार्ड्स. हम लोगों ने ऑनलाइन ऑलरेडी अपना सब आईडी, फोटोज और वो सब ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है. हमें बस यहाँ पे जाके अपना आईडी कार्ड फिजिकली कलेक्ट करना है. हमने किसी से पूछा था तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसे ये जो स्क्रीन लगी है इसमें आप लोगों को गेट एन आईडी वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके
तो यहाँ से आपको एक टिकट मिलेगी, वो टिकट आपको अंदर काउंटर पे लेके जानी है और वो लोग आपको अपनी आईडी प्रोवाइड कर देंगे. सो दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग और क्विक प्रोसेस था आईडी मिलने का. मेरी क्लास वैसे 1 बजे से स्टार्ट है, अभी बज रहे हैं 11:30. हम लोग जल्दी इसलिए आ गए थे क्योंकि हमें लाइब्रेरी में जाके थोड़ा स्टडी करना था, मुझे बेसिकली व्लॉग बनाना था, इसलिए मैं जल्दी आई हूँ. बाकी क्लास में तो पता नहीं कि मैं शूट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी. आई विल ट्राई इफ़ आई कैन, बट नहीं तो फिर क्या है. सो क्लास स्टार्ट होने से पहले हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग लंच कर लें क्योंकि क्लास होने वाली है हमारी 1 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक. तो पता नहीं हमें उसके बीच में वो लोग कितना ब्रेक देंगे. आई थिंक 10-15 मिनट से ज़्यादा ब्रेक मिलेगा नहीं क्योंकि 2 क्लास हैं वन बैक टू बैक. तो इसीलिए अभी हम जा रहे हैं, ये ईटिंग एरिया है. सो वी विल सी हमें क्या मिलता है. And we are heading towards the class now. So we are finished with the day one. I'm going to tell you a lot about how the lecture went and things about that. जब मैं घर पहुंचूंगी उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे क्या था. अभी भी कहने का सो आई एम बैक एट माई प्लेस एज यू कैन सी. यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे बहुत अच्छा था. आई रियली इंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट. हो सकता है फर्स्ट डे था और मैं बहुत एक्साइटेड थी यूनिवर्सिटी जाना है मैं तो इसलिए शायद मुझे ज़्यादा अच्छा लगा हो. बट यूनिवर्सिटी बहुत सुंदर थी, बहुत ग्रीनरी थी एंड देयर वाज प्लेसेस कि अगर आपको क्लासेस के बीच में टाइम मिला यू कैन गो फॉर अ वॉक, गेट अ कॉफ़ी, गेट समथिंग टू ईट और माइंड फ्रेश रहेगा आपका. इट वॉज़न्ट कि एक बिल्डिंग है जिसमें बस जाके बैठ जाओ जिसमें क्लासेस हो रही है, ऐसा नहीं था. इट वॉज़ वेरी प्रिटी. क्लास की बात करें तो एज यू कैन सी मैंने ज़्यादा क्लास में रिकॉर्ड नहीं करा, मैं नहीं कर पाई. इट वॉज़ वेरी स्मॉल, इट वॉज़ अ स्मॉल बैच तो उसके लिए कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता समवन रिकॉर्डिंग देम, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा वो रिकॉर्ड नहीं किया. बट मैंने जैसे कि इस वीडियो में भी पहले बोला है कि इतना डेप्थ में उन्होंने नहीं पढ़ाया. जो स्लाइड्स थी उसी को थोड़ा रीड करके, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी जो स्लाइड्स में नहीं थी जो उन्होंने प्रोवाइड करी, बट इट वॉज़न्ट इन डेप्थ आई वुड से. इससे ज़्यादा शायद मैंने अपने नर्सिंग कॉलेज में पढ़ा होगा. फर्स्ट ईयर में मैंने इससे ज़्यादा डेफिनेटली पढ़ा है. तो और मैंने आई एम नॉट रियली सरप्राइज्ड बिकॉज मैंने ये सुना था कि यहाँ की जो पढ़ाई है वो इंडिया जैसी अच्छी नहीं है. सो दैट्स फाइन. आई मीन यहाँ पे बेसिकली क्या है, वो आपको एक फ्रेमवर्क दे देंगे, आपको सिलेबस दे देंगे एंड देन यू हैव टू डू योर ओन स्टडी एट योर ओन टाइम एट योर ओन पेस. देर आर टीचर्स टू हेल्प यू आउट. अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो हैं टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे, आपको पूरा सपोर्ट देंगे, बट ज़्यादातर आपको खुद ही पढ़ना है. विच
आई मीन आई लाइक दैट, मुझे पसंद है ऐसा, कईयों को नहीं होता. सो कीप दिस थिंग इन माइंड बिफोर ज्वाइनिंग कि आपको खुद बहुत स्टडी करनी पड़ेगी. एक और जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी वो ये थी कि पूरा जो सेशन था वो रिकॉर्ड हुआ है, वो पूरा ऑनलाइन जाएगा. सो इवन इफ बच्चे ने कोई क्लास में कुछ चीज़ मिस करी है, हम सेइंग बच्चे ने, हम बच्चे नहीं, हम बड़े हैं मतलब अगर किसी ने क्लास में कुछ मिस करा है तो वो ऑनलाइन जाके उसको दोबारा से फॉलो अप कर सकता है. टीचर्स का कॉन्टैक्ट है ऑनलाइन, अगर आपको उनसे पूछना है कुछ हेल्प चाहिए, सो दैट इज़ देयर. और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. ऑब्वियसली मैं जैसे जैसे और सेशंस अटेंड करूँगी कॉलेज में तो मुझे और ज़्यादा पता चलेगा, बट फॉर नाउ इट वॉज रियली गुड. सब कुछ एक्सेसिबल था, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ होती है जो आई हैव टू फाइंड आउट मोर अबाउट, बट या इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. आई नो इट वॉज इन द बेस्ट बिकॉज आई एम कमिंग बैक ऑन ट्रैक. एज यू कैन सी ट्राइपॉड पीछे ट्राइपॉड भी रखा हुआ, मैं ट्राई कर रही हूँ व्लॉग बनाने का, बट वर्क लाइफ बैलेंस, उसके बीच में फ़ोन उठा के शूट करने लग जाओ, अभी थोड़ा नहीं हो रहा. आई एम स्टिल ट्राई टू सेटल इन, यू गाइज नो वाई. आई एम स्टिल ट्राइंग टू जस्ट लाइक गेट बैक टू माई नॉर्मल लाइफ. But yeah, this is it. I hope you enjoy this video. Please let me know if you want to know anything else about it. And do like this video, comment and subscribe to my channel. Bye.